अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 122। और आज के इस लेसन में हम बनाएंगे हाउ टू मेक 3D नट विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स स्वीप एंड पॉलीगॉन कमांड। आज के इस लेसन में हम 3D नट डिज़ाइन करेंगे और इसमें हेलिक्स स्वीप एंड पॉलीगॉन कमांड का यूजेस कैसे होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखा भी दूं कि आज हमने जो डिज़ाइन करना है उसके बारे में आपको बता दूं। तो वो है जी आपका ये लेसन नंबर 122 है और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये चीज़ आज हम डिज़ाइन करेंगे, देख सकते हैं। इस चीज़ को आज पहले हम डिज़ाइन करेंगे और फिर बाद में हम इंशाल्लाह इन सब इस पूरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, पॉलीगन लेता हूँ PUL एंटर, या फिर आप यहाँ से ड्रॉ में जाके तो फिर पॉलीगन ले सकते हैं। ड्रॉ में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जी ये पॉलीगन का बना हुआ आप देख सकते हैं। कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स आपने 6 देनी है, 6 एंड एंटर करता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ओके। तो मैं चाहता हूँ साइड बाई साइड जो हों इसके तो उनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, तो उसके लिए मैं सर्कम स्क्राइब पर क्लिक करूँगा और रेडियस में इसको देता हूँ, रेडियस को मैं दूंगा 24। ओके, जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ। अब इसको मैं 3D में लेके जाता हूँ, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में लेके जाता हूँ यहाँ से। ओके, और इसको मैं यहाँ से अब मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ या प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी कमांड यूज़ करें। प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ और इसको मैं 24 ही हाइट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब जो है मैं अब मैंने इस पे काम करना है कि मैं इसके अब साइड्स मैंने बनाने हैं। UCS आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए UC एंटर करता हूँ और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ, अपनी ओरिजिन पॉइंट में चला जाएगा। अब मैंने काम करना है कि मैं इसके जो कॉर्नर हैं इनको मैंने जिस तरह आपका बुलेट्स होता है, सॉरी बुलेट्स कह रहा हूँ, आपका नट बोल्ट होता है वैसे का वैसे मैं इसे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसके कॉर्नर जो है बिल्कुल वैसे बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि मैं यहाँ से UCS आइकन UCS पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ 3P, 3 पॉइंट में करता हूँ इसको, 3 पॉइंट 3P एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट ये वाला देता हूँ, सेकेंड पॉइंट ये वाला देता हूँ और थर्ड पॉइंट में इसका बिल्कुल ये सामने वाला इसे ये देता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास चेंज हो गया है, वाई जेड और एक्स यहाँ पे देख सकते हैं। एल एंटर कर दो, यहाँ से F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए, F8 प्रेस करता हूँ और 5 एंटर करता हूँ, 5 देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉलीगन को आपने यहाँ पे पॉली लाइन लेनी है, PL एंटर करता हूँ, 5 एंटर करता हूँ और यहाँ से बॉटम से मैं इसको देता हूँ जी 3, इसको इस कॉर्नर से मैं जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ने के लिए पॉली एडिट कमांड आपने यूज़ करनी है, फोर्थ या PE एंटर, इसको जोड़ना है मैंने ज्वाइन और इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ के आप एंटर कर दें बस एंटर। तो ये देखें यहाँ बस जुड़ गया। अब मैंने काम करना है कि मैं ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर से मैं इसको जो है तो मैं रिवॉल्व करना चाहूँगा। तो सेंटर पॉइंट लेने के लिए आपने क्या करना है, आप एल एंटर करें, एल एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ता हूँ मैं, ओके, एल एंटर, और इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर से जोड़ता हूँ, ओके। अब यहाँ से भी यही काम करना है आपने, एल एंटर, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ दें और एल एंटर, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ दें, ओके, एल एंटर करता हूँ। अब इसके मिड पॉइंट से यहाँ से मैं एल एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अब जो ये जो लाइंस हैं इनको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से, अरेज कर दें की या कीबोर्ड से आप
डिलीट का बटन प्रेस करके भी आप डिलीट कर सकते हैं या फिर इरेज कर दें इसको सिलेक्ट करके। ओके अब मैंने जो काम करना है वो रिवॉल्व कमांड यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास रिवॉल्व कमांड है, देख सकते हैं, क्लिक करें इस पर, इसको सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें या एंटर करें और इसके इस कॉर्नर से लेके उसको रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ तक। लेकिन एक और काम करना है हमने कि इसको रिवॉल्व करने से पहले कि मैं दोनों साइडों से इसको मैं जो है तो राउंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसको मिरर करूँगा पहले इसको। तो मिरर के लिए एम आई एंटर, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिरर कर दें यहाँ से कि सेंटर पॉइंट है इसका। कंट्रोल जेड मिरर करता हूँ फिर से, एम आई एंटर, ओके मिरर हो गया। और अब मैं इसको करता हूँ जी यहाँ से रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ, रिवॉल्व इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रिवॉल्व करना है कितना 360, तो आपने यहाँ से 360 टाइप करना है, एंटर कर देना है। ओके यहाँ पे ये कुछ काम हुआ है, अब देखना ही है कि ये काम सही हुआ भी है कि नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करना है। ओके अब देखते हैं कि ये काम सही हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से ये इलास्टिक पे लेके जाता हूँ व्यू में। ओके मेरे ख्याल में तो कुछ कुछ हो गया है, देख सकते हैं। ओके तो अब मैंने इसको क्या करना है कि यहाँ से अब मैं इसको यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट के लिए एस यू एंटर, एस यू एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और जिस जिस एरिया को अपने सब्ट्रैक्ट करना है इसको मैंने करना है और यहाँ से इसको करना है सब्ट्रैक्ट, एंटर कर दें। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वैसे की वैसी शेप ड्रॉ हो गई है, देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके अब इसके मैंने बॉटम पॉइंट, अब इसको मैं अपनी इसी यहाँ से जो है तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टॉप पे क्लिक करता हूँ, टॉप पे जाके तो मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट में ले आता हूँ और यहाँ से इसको मैं करता हूँ टॉप व्यू। ओके टॉप व्यू करने के बाद इसके बॉटम में मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, सी एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से करता हूँ और सर्कल में इसको देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 12। ट्वेल्व देता हूँ, बल्कि 12 से ज़्यादा देता हूँ मैं इसको। ट्वेल्व से ज़्यादा देता हूँ यहाँ से इसको, इस वायर फ्रेम में लेके आए और इसको रीड करते हैं सर्कल, सी एंटर, 15 एंटर कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं दोबारा इलास्टिक में लेके आता हूँ। सही है अब मैंने इसको यहाँ से इसे क्या करना है कि मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ और इसको भी ख़त्म करता हूँ सर्कल को। ओके तो यहाँ से देखें तो बस एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया जी, देखें तो एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, ये जो लाइन है फालतू मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ओके अब यहाँ पे एक और काम करना है कि हेलिक्स कमांड यूज़ करनी है, तो हेलिक्स कमांड के लिए मैं यहाँ से ड्रॉ बार में क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं हेलिक्स कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ और हेलिक्स कमांड में अपने जो काम करना है वो क्या करना है जी, इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हेलिक्स कमांड अप्लाई है, इसे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से इसे टॉप रेडियस देने, मैंने 15 दिया हो तो मैं 15 दूंगा, सॉरी मैंने 18 दिया आई थिंक, एटीन टॉप पीस को 18 दें आप, कि मुझे याद नहीं है रेडियस मैंने कितना दिया, लेकिन रेडियस के लिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसका रेडियस मैंने कितना दिया, तो मैं यहाँ से इसको टॉप व्यू में लेके आता हूँ जहन से निकल के कि मैंने रेडियस को कितना दिया था, तो इसकी मैं यहाँ से पैरामेट्रिक्स में जाके तो इसको सॉरी यहाँ से जाके तो मैं इसका
डायमीटर या रेडियस चेक करता हूँ, रेडियस पे क्लिक करता हूँ। फिफ्टीन दिया, ओके फिफ्टीन दिया, मेरे जहन में नहीं था, फिफ्टीन दिया ओके। तो मैं यहाँ से दोबारा इसको सी व्यू में लेके आता हूँ, एलेक्स कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ से ड्रॉ एलेक्स कमांड यूज़ करता हूँ, इसके सेंटर से 15, टॉप रेडियस भी 15 ओके। और इसकी हाइट कितनी देनी है इसको, यहाँ से इस तरह शिफ्ट और स्क्रॉल को प्रेस करके मैं इसको हाइट देता हूँ। तो हाइट मैंने इसकी दी हुई थी आई थिंक 24 दी हुई थी, तो मैं इसको 24 देता हूँ ओके, 24 हाइट भी दे दी। अब मैंने काम ये करना है कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट किया और व्यू में जाके इसी प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और जाके मैं इसको यहाँ से हाइट इसकी 24 है देख सकते हैं, टर्न जो है इसके 3 है, तो इसके टर्न बढ़ा देता हूँ, टर्न में इसको करता हूँ जी 10 के, 10 काफ़ी है, 10 करता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और अब इसके टर्न बढ़ाने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, आर ई सी रेक्टेंगल, और आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल में आप सर्कल से भी आप यहाँ से इसके जो इसके अंदर वो जो होती हैं झरियाँ सी बनी हुई होती हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल को मैं देता हूँ एट दी रेट 2.2, 2.2 एंटर करता हूँ ओके। अब अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप क्या करना है, होम में जाना है, होम में क्लिक करता हूँ मैं, क्या हो गया, होम में क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसमें मैं यहाँ से स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, स्वीप कमांड के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंटर स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ से इस एरिया को इसको सिलेक्ट करता हूँ ओके। यहाँ पे आप देखिएगा काम हो गया, ये लें जी हमारे पास काम हो गया देख सकते हैं, तो मैं जूम करके वो बताता हूँ, देखें काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो एस यू एंटर करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके स्पेस, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये यह देखें यहाँ पे बन गया। तो आप इसी तरह सर्कल भी ड्रॉ करके तो सर्कल को भी स्वीप कर सकते हैं, स्वीप कमांड के ऊपर मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था, तो आप स्वीप कमांड सर्कल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैकेनिकल के लिए मैं यही यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जो होते हैं हमारे पास इसी तरह की शेप में होते हैं ओके। तो ये था जी हमारा ऑब्जेक्ट, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, उसके अलावा ये जो कॉर्नर रहते हैं इनको आप डिलीट कर दें यहाँ से। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।